अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रानी किचन से रानी हाजिर है और आज मैं बना रही हूँ ब्राउनी विदाउट अवन, बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। शुगर ली है मैंने, ये ग्राइंडेड आप घर में भी तैयार कर सकते हैं या आप आइसक्रीम शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर इसमें 1/2 पैकेट यूज़ करूँगी और 100 ग्राम का बटर भी यूज़ होगा और साथ में वेनिला एसेंस। और गनाश के लिए मैं यूज़ करूँगी चॉकलेट, जो कि मैंने लिया है लश मिल्का, और एक और भी चॉकलेट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जी। तो चॉकलेट क्रेप मैंने लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें क्रश कर लिया है, जिसे मैं मेल्ट करके गनाश यानी आउटर कवरिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 अंडे ब्रेक इस बोल में। और साथ ही मैं इसमें 3/4 कप शुगर ऐड कर रही हूँ और हम इसे करेंगे अच्छी तरह से बीट। हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करेंगे। जी तो बीटन एग विद पाउडर शुगर, ये देखें अच्छी तरह से ये बीट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। जी तो 1 कप मैदा मैंने इस छन्ने में डाला और ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों इसमें हम शामिल करेंगे। हम इसे छन्ने से इसलिए गुजारेंगे क्योंकि हमें इसे एरी बनाना है, इतना एरी बनाना है कि ये हमारा केक बहुत ही सॉफ्टी और पफी सा हो। इस प्रोसेस में अगर कोई लम्स वगैरह हो तो ये देखें आप, ये अलग हो जाता है। इस तरह हमने इसे अलग कर लिया, हम कलेक्ट करेंगे और बीटन एग में इसे शामिल करेंगे। जी अब हम धीरे धीरे इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को भी हम बीट करेंगे, लेकिन पहले हम इसका पाउडरी हिस्सा जो है हम थोड़े से वेट कर लेंगे, वरना हमारे ये पूरा रूम मैदे से और चॉकलेट पाउडर से भी भर सकता है। पहले हम इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे मशीन यूज़ करने से पहले। और ये 1/2 पैकेट कोको पाउडर था, ये बेस्ट टाइप का कोको पाउडर है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हमें इसे पहले वेट करना होता है बीटर चलाने से पहले। जी साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब वनीला एसेंस भी शामिल कर रहे हैं। जी तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं बटर, उसके बाद हम फाइनली चलाएंगे इलेक्ट्रिकल बीटर। जी तो तमाम मटेरियल को हम अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं और 5 मिनट्स की बीटिंग के बाद हम इसे मोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको मोल्ड दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तैयार करके रखा है, ये मैंने ग्लेस पेपर पहले से स्प्रेड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीसी करूँगी और ये तमाम का तमाम मटेरियल इसमें कन्वर्ट करूँगी। और साथ ही मैं आपको अपना अवन दिखाती हूँ जो मैंने पहले से प्रीहीटेड करके रखा है। जी तो मैंने पैन को पहले से प्रीहीटेड कर रखा है, इसमें मैंने हमारा जो कॉमन सॉल्ट है उसकी लेयरिंग की है और एक स्टैंड रखा है और इसे पहले से मैंने गर्म कर लिया है। बहुत एहतियात के साथ हम इसमें मोल्ड रखेंगे और साथ ही एक पैन में मैंने थोड़ा सा वाटर गर्म कर लिया है। ये बॉयल वाटर आउटर कवरिंग चॉकलेट की वो मेल्ट करेंगे हम इसमें। जी तो सब हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, अब हम इसे करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से कवर और फिर हम रखेंगे एहतियात के साथ पैन में। तो मोल्ड हमने इसमें रख दिया है और हम 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद भी हम इसे चेक कर सकते हैं। जी तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसे 30-40 मिनट्स के लिए छोड़ रही हूँ। तो 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, अब हम चेक करते हैं क्योंकि हमें स्मेल आ रही है प्लेजेंट सी। अब हम बहुत ही एहतियात के साथ इसे चेक करेंगे। हमारे केक के तैयार हो जाने का पता इस तरह से चलेगा कि अगर हमारी ये वुडन स्टिक ड्राई निकलती है तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से केक हमारा ब्राउनी कुक हो चुका।
तो हम इस ब्राउनी को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और तब तक के लिए हम इसे एक सॉफ्ट से मलमल के टुकड़े से कवर करके रखेंगे तकरीबन 15 मिनटों तक। जी साथ ही हमारा ये गनाश रेडी हो चुका है, चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए आप। इसे हम करेंगे केक की कोटिंग। जी तो केक हमारा ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर तक, अब हम इसकी करने जा रहे हैं चॉकलेट कोटिंग। आप जिस तरह से चाहें इसकी कोटिंग कर सकते हैं, फिर हमें इसे रेफ्रिजरेटर पर रखकर थोड़ा सा ठंडा करना होगा। जी जनाब तो हाफ आवर रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद मैंने ब्राउनी बाहर निकाल ली है, तो अब इसकी स्लाइसिंग करते हैं और देखते हैं इसका लुक और चखते हैं टेस्ट। ये ज़बरदस्त सी माशाल्लाह हमारी ब्राउनी तैयार हो चुकी है, रिच इन चॉकलेट विदाउट अवन। अगर आप अवन में बनाना चाहें तो आप अवन में भी बना सकते हैं। ये देखें कितनी खुशकल और नहायत ही खुश जायका चॉकलेटी सी ब्राउनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।